हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम कुछ ऐसी चीज़ आज बताने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे हम उसमें काम करेंगे या कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। आज हम जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आप सभी जानते हैं और हमारी वीडियो जिस पे बहुत सारी आ भी गई हैं, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन के बारे में। बट उसके बहुत सारे फीचर्स हमने आज तक बताए होंगे लेकिन उसके टाइप्स हमने आज तक आपको नहीं बताए। तो हम आज बताने जा रहे हैं कि पेपर प्लेट मशीन के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं और कितने कम बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं या कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम अगेन बिजनेस आइडिया। पेपर प्लेट मशीन में बहुत सारे तरह के टाइप्स होते हैं। पहले तो हमारे यहाँ या हर जगह पे तीन तरह की मशीनें हुआ करती थी। सबसे पहले जो है मैनुअल मशीन, पेपर प्लेट की मैनुअल मशीन, जिसे हम अपने घर में बैठ के आराम से ऑपरेट कर सकते थे। दूसरी मशीन होती है ऑटोमेटिक मशीन, उसे भी हम घर बैठ के आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और तीसरी मशीन होती है हाइड्रोलिक मशीन। ये तीन प्रकार की मशीनें होती हैं। बट अभी जो नया दौर चल रहा है इसमें हम लोगों ने चार तरह की मशीनें बनाई। एक तो मैनुअल हो गई, दूसरा ऑटोमेटिक, तीसरा हाइड्रोलिक और चौथी जो है ऑटोमेटिक एंड हाइड्रोलिक। यानी कि ऑटोमेटिक और हाइड्रोलिक को मिला के जो एक नई मशीन बनाई गई है जिसका आजकल नाम दिया जा रहा है ऑल इन वन। जो सबसे पहले हमने बनाई थी 8 रोल की मशीन, जो फिलहाल मार्केट में आपको चल भी रही होगी, देख भी रहे होंगे आप। तो इस तरह से चार भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग उस मशीन को। अब आइए जानते हैं हम लोग कौन सी मशीन स्टार्टिंग से मैनुअल मशीन के बारे में। तो मैनुअल मशीन जो होता है वो आपको 5 तरह का होता है, नंबरिंग वाइज। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यानी इस तरह से 5 तरह की मशीनें होती हैं, 5 टाइप्स होते हैं मैनुअल मशीन में। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो 2 नंबर मशीन में आपको ओनली 8 इंच तक आप कोई भी प्लेट बना सकते हैं। 3 नंबर में 10 इंच तक की कोई भी प्लेट बना सकते हैं। 4 नंबर में आप जो है 12 इंच तक की प्लेट बना सकते हैं। 5 नंबर में 14 इंच तक की प्लेट बना सकते हैं और 6 नंबर में आप लगभग 16 इंच तक की प्लेट बना सकते हैं। तो इस तरह से मैनुअल मशीन जो आप साइड में देख रहे हैं इसे मैनुअल मशीन बोलते हैं। इसमें भी थोड़ी सी इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है क्योंकि जब डाई इसमें हम लगाते हैं तो इसमें हीटर की आवश्यकता होती है। जब तक आप हीटिंग नहीं करेंगे तब तक जो है प्लेट को शेप नहीं मिलेगा, इसलिए जो है हम इसमें हीटर का यूज करते हैं। तो ओनली जो एक घर में बल्ब जलता है उतने के ही बराबर लगभग आपको इसमें बिजली की आवश्यकता पड़ेगी ओनली हीटर को गर्म करने के लिए। और इस मशीन को लगा के आप एकदम बिल्कुल ही छोटे स्तर से ही आप बट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इन मशीनों का रेंज जो आता है 10,000 से लेके 25,000 तक की मशीनें होती हैं मैनुअल मशीनें। तो वो टाइप्स के ऊपर निर्भर करता है और कितने इंच तक आपको मार्केट में चल रहा है प्लेट या दोना या थाली, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी मशीन लेंगे। यानी एक छोटे से स्तर से भी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। साइड में तो आप देख ही रहे होंगे कि मैनुअल मशीन किस तरह की होती है, कैसे काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप हर तरह की डाई यूज कर सकते हैं, यानी कि प्लेन डाई भी आप यूज कर सकते हैं, रिंकल डाई भी आप यूज कर सकते हैं, डायमंड डाई भी यूज कर सकते हैं। ये 3 तरह की डाई होती है, प्लेन डाई, रिंकल डाई, डायमंड डाई। ये तीनों डाइयाँ जो है मैनुअल मशीन में यूज हो सकती है, जो बहुत ही बड़ी बात है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये सर्कल पेपर है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, कटा हुआ पेपर। आप वो चाहे 4 इंच की हो, 12 इंच की हो, 13 इंच की हो, 14 इंच की हो, आप जिस नंबर की मशीन लेंगे उसके अनुसार जो है आप इसमें डाइयों का यूज करके, और ये सर्कल पेपर को भी यूज कर सकते हैं और या तो आप रोल का भी यूज कर सकते हैं। बट रोल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको इसलिए आएगी क्योंकि आपको बार बार जो है अप एंड डाउन करना पड़ेगा, यानी कि आगे पीछे की तरफ करना पड़ेगा रोल के पत्ते को,
तब जाके आप उसमें कट भी हो जाएगा। यानी कि मैनुअल मशीन के साथ बिना सर्कल पेपर का भी आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जो मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे लोग गोलगप्पे खाते हैं, चाउमीन्स खाते हैं, तो वो पेपर जो वेस्टेज पेपर है उसका भी यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उसका भी आप प्लेट बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। यानी कि ये सिल्वर और केला पत्ता और ये इस तरह के प्लेटें न लेके आप जो है वेस्टेज पेपर का भी यूज करके जो मार्केट में आपको 8 रुपये 10 रुपये के जी मिल जाएगा, यानी कि जो भी सारे वेस्ट हो गए पत्रिकाएं मिल जाती हैं इंडिया टुडे टाइप में या इस तरह के जो भी वेस्टेज पुराने पेपर मिल जाएंगे उनको भी कट करके आप मैनुअल मशीन के साथ में ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आपको सिल्वर पेपर खरीदने की भी जो 50 रुपये 60 रुपये 40 रुपये किलो पेपर मिलते हैं उसको भी न यूज करके आप बिल्कुल ही 10 रुपये 8 रुपये वाले पेपर को भी यूज करके उस मशीन में बना के और आप सेल कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी मैनुअल मशीन की बात। तो अब आते हैं ऑटोमेटिक मशीन। यानी ऑटोमेटिक मशीन जो है फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, विदाउट इलेक्ट्रिक ये काम करने ही करता है और इसमें ओनली 1 HP का मोटर होता है। कोई भी आप ऑटोमेटिक पेपर प्लेट की मशीन आप लेते हो तो ओनली 1 HP के मोटर के साथ आपको काम करता है। इसमें ऑटोमेटिक मशीन में भी बहुत तरह की मशीनें होती हैं। सबसे पहली जो मशीन बोलते हैं हम लोग मार्केट में सुन रखे होंगे सिंगल डाई की, सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन होती है। उसके बाद आपको डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन होती है। डबल डाई में भी 2-3 प्रकार होते हैं। एक आपको स्मॉल डबल मशीन होती है, एक आपको सेंटर मोटर मशीन होती है, एक साइड मोटर मशीन होती है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक में भी बहुत सारे तरह की मशीनें जो आप साइड में देख रहे हैं, मतलब इस तरह की मशीनें आपको ऑटोमेटिक मशीन बोला जाता है। यानी कि पीछे में आप रोल लगा लो और आप आराम से बैठ जाओ और उसके अनुसार आपको सारी मशीनें जो हैं आपको बना बना के प्लेटें देती चली जाएंगी आगे में। बस आपको ओनली कलेक्ट करने होते हैं। बट उसमें ओनली 2 तरह की डाइयाँ चलती हैं। एक तो आपको ऑटोमेटिक डाई चलती है और दूसरी जो डाई चलती है वो है आपको डायमंड डाई। जो आप ये प्लेटें देख रहे हैं, ये जैसे 6 इंच की प्लेट है, ये दोना है, ये 7 इंच की प्लेट है, ये भी आपको 8 इंच की प्लेट है। तो इस तरह से जो है आप प्लेटें देख रहे हैं, ये प्लेन प्लेटें, ये सारी की सारी ऑटोमेटिक में बन जाएंगी। इसके अलावा जो है आप डायमंड डाई का भी उसमें यूज कर सकते हैं। इसको डायमंड डाई बोलते हैं। जैसे ये प्लेटें बनती हैं वो आपको डायमंड डाई है, ये भी जो है आपको डायमंड डाई है। तो इस तरह से जो भी है डायमंड डाई का आप यूज कर सकते हैं। डायमंड के अलावा ये जो 4 खाना 3 खाने वाले 4 बॉक्स 3 बॉक्स ये हम लोग बोलते हैं, इस तरह के प्लेटें भी आप बना सकते हैं डायमंड ये ऑटोमेटिक मशीन में। तो इस तरह से ऑटोमेटिक मशीन जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, इस तरह के ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं और इसमें सारे तरह के प्लेटें नहीं बनती बट ओनली 2 तरह की प्लेट, यानी एक प्लेन डाई और एक डायमंड डाई, 2 तरह की डाइयाँ हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। अब वो डाई चाहे 4 इंच की हो चाहे 14 इंच की हो, आप वो 4 इंच से लेकर 14 इंच तक की प्लेटें, डोना, थाली कुछ भी बना सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन में। ओनली एक चीज़ नहीं बनता है तो वो है रिंकल। ये रिंकल प्लेट जो है आपको डायमंड ऑटोमेटिक मशीन में नहीं बनता है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम आपको बता रहे थे ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। उसमें ओनली आपका रोल का यूज होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये रोल, पेपर रोल का हम लोग ओनली यूज करते हैं ऑटोमेटिक मशीन में। सर्कल पेपर का यूज नहीं कर सकते, कटा हुआ पेपर का यूज हम लोग नहीं करते हैं ऑटोमेटिक मशीन में। और इसमें जो है ओनली 1 किलोवाट का भी कनेक्शन आप लेते हैं तो आपका आराम से मशीन चालू हो जाता है। और ओनली 1 पर्सन की ही ज़रूरत होती है मशीन में, सिर्फ और सिर्फ 1 आदमी आपका पूरा का पूरा काम कर लेगा। और इसके लिए बहुत बड़े जगह की भी आवश्यकता नहीं होती। ओनली एक 10x10 का अगर एक आपका छोटा सा कमरा है उसमें भी आप इस मशीन को रख के और अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस मशीन का स्टार्टिंग प्राइस निर्भर करता है कि आप कौन सी मशीन ले रहे हैं, सिंगल डाई ले रहे हैं कि स्मॉल डबल डाई ले रहे हैं, या आप सेंटर मोटर वाली बड़ी मशीन ले रहे हैं या आप साइड मोटर वाली मशीन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। इन मशीनों का प्रोडक्शन के हिसाब से इनका जो है रेट है और इनका साइज है। जो स्टार्टिंग सिंगल डाई मशीन है उसका प्रोडक्शन आपको आएगा ओनली 1000 से 1200 पीस पर आवर। अगर आप स्मॉल डबल की बात कर रहे हैं तो उसका आपका प्रोडक्शन आएगा 1500 से 1600 पीस पर आवर। अगर वहीं आप हम
जो साइड मोटर हमारी मशीनें होती हैं तो उसका प्रोडक्शन जो आएगा लगभग 2000 पीस पर आवर के आसपास आएगा। वहीं अगर सेंटर मोटर में हम लेते हैं तो 2200 से 2500 पीस के आसपास आ जाएगा पर आवर का। इस तरह से इनका प्रोडक्शन हो गया सारे मशीनों में, वो चाहे सिंगल डाई लें चाहे आप डबल डाई लें, सारे मशीनों में ओनली 1 HP की ही मोटर की आवश्यकता होती है। और आप इस मशीन को घर के कनेक्शन पे भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया 1 kW के कनेक्शन की ही आवश्यकता होती है, बट कमर्शियल अगर आप कनेक्शन लेते हैं या घर वाला कनेक्शन तो 2 HP की 2 kW का कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको और भी बल्ब पंखे भी चलाने होंगे, इसमें कुछ हीटर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा आपका कनेक्टर लेते हैं। और टोटल मशीन अगर सिंगल डाई या डबल डाई कोई भी मशीन आप चलाते हैं तो पूरे दिन में जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा वो लगभग आपको 8 से 10 यूनिट 8 घंटे में ये कंज्यूम करता है। यानी कि पर आवर ओनली 1 यूनिट के आसपास आपका ये लेगा। तो ये थी हमारी ऑटोमेटिक मशीन का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आते हैं तीसरी मशीन यानी कि हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन के बारे में। हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मशीन एक ऐसा मशीन जिसमें आप प्लेट से रिलेटेड सारे के सारे काम कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कैसा भी प्लेट बनाना हो, किसी भी पेपर का बनाना हो, गत्ते का बनाना हो, या किसी भी चीज़ की बनाना हो, जो आजकल बफर प्लेटें भी चल रही हैं वो भी बनाना हो, या किसी भी तरह की प्लेटें बनानी हो, आपका बन जाएगा। किस में बनेगा? तो हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। ये भी हमारे पास बहुत तरह की मशीनें हैं या मार्केट में भी उपलब्ध है। आपको सिंगल डाई में सिंगल डाई हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मशीन हो गई, डबल डाई हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मशीन हो गई। डबल डाई में भी 3-4 प्रकार होते हैं, सिंगल सिलेंडर डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, डबल सिलेंडर पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो आप जो भी लेना चाहें ये हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मशीन है वो आप ले सकते हैं। अब हाइड्रोलिक पेपर प्लेट जो मशीन होती है सर, उसमें आपको 2 HP का मोटर होता है, 2 HP यानी कि कम से कम आपको 3 kW का कनेक्शन के आसपास आपको लेना होता है। इसमें भी आपको 10x10 के एक छोटे से कमरे से ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इसमें कोई भी डाई चला सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे ऑटोमेटिक में हम 2 ही डाई चला रहे थे, लेकिन इसमें जो है 3 तरह की डाइयाँ चला सकते हैं आप, प्लेन डाई, रिंकल डाई और डायमंड डाई। यानी ये 3 तरह की डाइयाँ चला सकते हैं आप। जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में, ये हमारी पेपर प्लेट की हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं, सिंगल डाई भी, डबल डाई भी, डबल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, सारी मशीनें इस तरह की होती है देखने में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो है आप ओनली सर्कल पेपर का यूज कर सकते हैं, रोल का यूज आप नहीं कर सकते। सर्कल पेपर जैसा कि ये देख रहे हैं, कटे हुए पेपर का ही आप इसमें यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक मशीनों में। इस तरह के ही प्लेट का यूज करेंगे हम लोग, मतलब हम रोल का यूज नहीं कर सकते। अगर रोल का यूज करना भी चाहें हम तो प्लेन डाई या डायमंड डाई लगा के और इस पेपर को लगाना होगा, बट वो मैनुअली काम करेगा, मैनुअली। तो मैनुअली काम करने से अच्छा है कि हम आपको मैनुअल मशीन ही आप ले लीजिए अगर इस तरह का रोल लगाना है तो। तो आप सिर्फ सर्कल पेपर का यूज करना है तो ही हाइड्रोलिक मशीन लें, अदरवाइज आप जो है ऑटोमेटिक मशीन लें अगर आपको रोल चलाना है तो। कि मैंने बताया उसमें सारे तरह की प्लेटें आप बना सकते हैं, बट वो कटे हुए पेपर से ही बनेगा, वो चाहे डायमंड प्लेट हो, चाहे आपका जो है ये प्लेन प्लेट हो, ये भी आप बना सकते हो बट सर्कल पेपर से, चाहे ये प्लेट हो या ये गत्ते वाली प्लेट हो, चारखाने वाले बॉक्स वाले प्लेट हो, या इस तरह से रिंकल प्लेटें हो, ये भी रिंकल प्लेटें हैं जिसमें आपका 4 इंच से 14 इंच तक कुछ भी, ये हो गए, ये हो गया, ये आपका 8 इंची के आसपास और ये लगभग 13 इंची। मतलब आप कुछ भी हाइड्रोलिक मशीन अगर ले लेते हो आप तो कुछ भी बना सकते हो, बट वहीं सर्कल पेपर का आपको यूज करना पड़ेगा। तो सर्कल पेपर का आप यूज करके और आराम से कोई भी प्लेट आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहे मैंने जैसा कि मैनुअल मशीन में बताया था आपको कि आप जो है रद्दी पेपर जो 8-10 रुपये मार्केट में उपलब्ध है उसका भी आप इस हाइड्रोलिक मशीन में यूज कर सकते हो। इस तरह से आप इस मशीन को लगाइए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए अगर आपके तरफ रिंकल प्लेटें ज़्यादा चलती हैं तो। अदरवाइज ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है, चॉइस आपकी है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके अनुसार कोई भी मशीन लगाइए और बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। तो
अब हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन के बारे में। एक ऐसी मशीन जिसमें आप हर चीज़ बना सकते हैं प्लेट के मामले में, वो चाहे पेपर प्लेट हो, गत्ते वाली प्लेट हो, या कुछ भी हो, हर तरह की प्लेटें आप बना सकते हैं, दोने बना सकते हैं, थाली बना सकते हैं, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। वो चाहे रिंकल हो, डायमंड हो, आपका रोल चलाना हो, सर्कल पेपर चलाना हो, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसको ऑल इन वन भी बोला जाता है और हर प्रकार के रोल्स और सर्कल पेपर का यूज भी किया जाता है। वो आपका 180 GSM का हो चाहे 350 GSM का, सारे तरह की प्लेटें आप इसमें बना सकते हो। आप ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये सारे प्लेन वाली प्लेटें भी बना सकते हो, आप ये जो है रिंकल वाली सारी प्लेटें भी बना सकते हो, यानी कि एक ही मशीन में सारा काम, उसे हम ऑल इन वन बोलते हैं। यानी कि आप ये सर्कल पेपर भी यूज कर लो कटे हुए पेपर का, और ये चाहे आप रोल का भी यूज कर लो। इस तरह से जो है ऑल इन वन मशीन में सारे तरह की प्लेटें और दोने बन जाएंगे। उसमें और भी चीज़ें बनती हैं, उसके लिए आपको हमारे ऑफिस में विजिट करना होगा, पूछना होगा या बताना होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने आपको चारों तरह की मशीनों के बारे में बताया। ऑल इन वन मशीन जो है वो भी आप साइट में देख रहे होंगे, इसमें रोल भी लगी हुई है और सर्कल पेपर का भी हम यूज़ कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको ओनली 2 HP की मोटर की आवश्यकता होती है, या 2 HP की मोटर लगी होती है, इसमें भी हीटर का यूज़ किया जाता है और इसमें रोल भी लगाया जाता है, सर्कल पेपर भी लगाया जाता है। इसके लिए भी आपको एक छोटे से कमरे की ही आवश्यकता होती है, यानी 10x10 फीट की एक छोटे से कमरे से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि मशीनों के चार प्रकार हैं, चार टाइप्स हैं, डायो के तीन टाइप्स हैं, रिंकल, ऑटोमेटिक और डायमंड। अब हम आते हैं पेपर पे। पेपर जो होता है, जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, वो रॉ मटेरियल होता है आपका GSM के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी कलर का हो, कोई भी डिजाइन का हो, सारे मशीनों में हर तरह के पेपर का आप यूज कर सकते हो। ये नहीं है कि हम केला पत्ता का यूज कर रहे हैं तो वो किसी और मशीन में होगा, अगर हम साल पत्ता का यूज कर रहे हैं तो किसी और मशीन में यूज होगा, जो सिल्वर पत्ता का यूज कर रहे हैं किसी और में होगा, या जो हम इस तरह का कलर यूज कर रहे हैं तो किसी और मशीन में होगा। यानी कि एक ही मशीन में सारे के सारे कलर और डिजाइन बन जाएंगे आपको, वो चाहे मैनुअल हो, ऑटोमेटिक हो, हाइड्रोलिक हो या ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक हो, किसी भी मशीन में सारे तरह के प्लेटों का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप जो है किसी भी मशीन में 80 GSM से लेके 350 GSM तक का यूज पेपर का नहीं कर सकते। आप अगर मैनुअल यूज कर रहे हो तो मैनुअल में आपका लगभग मैक्सिमम आप 180 GSM तक का पेपर यूज करोगे, ऑटोमेटिक में भी लगभग 180 GSM तक का यूज करोगे आप, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन में 350, 400, 500, 1000 GSM तक का भी पेपर हो आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक में भी उसी तरह से 80 GSM से लेके 350, 400, 500 GSM जितना का यूज करना चाहो हाइड्रोलिक में और ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक में, ये दोनों मशीनों में आप कितने भी मोटे पेपर का यूज कर सकते हो। यानी कि जो बफर प्लेटें आपकी चल रही हैं वो सारे की सारी बफर प्लेटें आपका ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक में या हाइड्रोलिक दोनों मशीनों में आपका बनके रेडी हो जाएगा, बट ऑटोमेटिक मशीन में या मैनुअल मशीन में वो चीज़ें यूज आप बहुत ही कम कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते। अब हमने सारा कुछ आपको बता दिया मशीन के बारे में, टाइप्स ऑफ मशीन क्या होती है। अब बिजनेस आपको स्टार्ट करना है कि आप जीरो से स्टार्ट करते हो या सबसे ऊपर से, बट एज ए सजेशन आप छोटे स्तर से भी आप स्टार्ट करते हो तो भी अच्छा है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, अगर थोड़ा सा आपका मैन पावर सही है तो आप ऑटोमेटिक मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हो, या एज ए मार्केट आपका मार्केट में चल क्या रहा है उसके अनुसार भी आपको देखना है और उसके अनुसार ही आपको मशीनें भी आप लेनी है। तो आपके मार्केट में अगर रिंकल प्लेटें चल रही हैं तो आपको या तो मैनुअल या तो हाइड्रोलिक यूज करो, अगर आपको प्लेन प्लेटें चल रही हैं तो उसके अनुसार आप ऑटोमेटिक यूज करो, अगर आपके तरफ दोनों तरह की प्लेटें चल रही हैं तो फिर आप ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक यूज करो। तो जो भी आपको पसंद आए आप उसको यूज करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।